हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। और मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 डॉक्टर मनोहर रे की किताब से 4F का थर्ड पार्ट, तो जिसमें हम लोग 13 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और स्टार्ट करेंगे 14वें से। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है 14वें क्वेश्चन में, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखते कैसे करेंगे। माना क्वेश्चन नंबर है 14वां, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक, लंबाई 2x मीटर। 2x समझ गए ना, दुगनी कह रहा है, क्योंकि दुगनी कह रहा है इसलिए हम लोगों ने 2x कर दिया। ठीक है, अगर हम लोगों की बगिया की तो चौड़ाई x मीटर है, लंबाई 2x मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर 800, तो क्षेत्रफल हम लोगों ने भी निकाल के रखा कितना, 2x स्क्वायर बराबर 800 लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 काट देंगे इसको, तो आ जाएगा कितना 400, तो एक्स बराबर आ जाएगा 20। एक्स की वैल्यू आ गई 20, 20 का वर्ग होता है 400। फिर से करके दिखा देते हैं एक बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 400, तो एक्स बराबर 20। कट तो नहीं रहा है ना नीचे, एक बार देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है, हाँ ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 20, अतः यहाँ लिखेंगे अतः बगिया की लंबाई 20 दूना 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, समझ गए ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, आप सीखिए और लगाइए, अपने आप सीख जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको लिखना है वो जल्दी से लिख ले, वीडियो को रोक के लिख लिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उन 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो पहले उनकी आयु का योग 48 था, तो अब मान लेंगे, माना क्वेश्चन नंबर है 15, माना दो मित्र हैं, माना पहले मित्र की आयु बराबर एक्स वर्ष, ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स वर्ष। ये 20 कहाँ से आ गया, क्योंकि दोनों का योग दे रखा है। अब यहाँ योग से संबंधित एक बात बता देते हैं, कभी भूलना नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है आने वाला है आपको, जब भी प्रश्न में योग दे रखा हो, जब भी प्रश्न में योग दे रखा हो, तो पहली संख्या अगर हमको माननी है तो पहली संख्या x मान लेंगे, और दूसरी संख्या माननी है तो हम लोग क्या मानेंगे, योग माइनस x मानेंगे। इसको याद कर लीजिए, जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतनी जल्दी ही पढ़ने में मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो पहले मित्र की आयु x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष, ठीक। प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व चलेंगे, तो 4 वर्ष पूर्व x है ना, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, ठीक है। फिर इनको भी 4 वर्ष पूर्व ले चलो, क्या यही 4 वर्ष पूर्व थे, ये नहीं थे, ये भी, तो इनको भी 4 वर्ष पूर्व ले चलेंगे, तो 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 48, ठीक है। तो x माइनस 4 और 16, 20 में से 4 गए, 16 माइनस x बराबर 48, तो अब x की गुणा हो जाएगी, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर
64 प्लस का 4x बराबर 48। तो सबसे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। तो 8 × 4 = माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 × 4 = हासिल लगा 1 × 6 = 10 = 11 बराबर 0। क्या करेंगे, चिन्ह बदल सकते हैं इनके, चिन्ह बदलने पर तो क्या हो जाएगा, या करके आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो चिन्ह बदल दिया है और कुछ नहीं किया है। तो 112 कैसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 20 आ जाए। तो अब हम एक बार बताते हैं, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसके गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो गुणनखंड नहीं हो रहे हैं इसके, 112 के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। तो जब 112 के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके सिद्धराचार नियम से हल करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू है यहाँ 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस 20 और c की वैल्यू कितनी है 112। ठीक है, अब सिद्धराचार नियम से लगाएंगे क्या, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, कट तो नहीं रहा। तो b की वैल्यू है माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 400 माइनस 4ac 4a, तो 4 × 4 और c का मान 112, तो कितना हो जाएगा 448। ठीक है ना, 4 × 4 = 4 ठीक, बटे 2 × 1, तो 20 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 48 बटे 2। तो एक बार बताइए, रूट के अंदर ये ऋणात्मक संख्या आ जाती है, जब भी रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए तो मूल संभव नहीं है, यानी कि ये एक काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो लिख देंगे क्या, संभव नहीं, क्या नहीं है, संभव नहीं है कि हम लोग इसको हल कर सकें, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी किसी संख्या में माइनस अगर आ जाता है तो इसका मतलब है वो संख्या है काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग अभी हल नहीं कर सकते हैं, आगे चल के फर्स्ट ईयर में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। ठीक है ना, तो जिसको लिखना है वो जल्दी से नोट कर ले, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी चौड़ाई लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है जिसका परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना खेत, खेत है ना, पार्क है, एक पार्क की लंबाई बराबर x, ठीक है ना, लंबाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, अगर लंबाई हमने x मान ली तो चौड़ाई के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, चौड़ाई के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात करने के लिए परिमाप की सहायता लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि परिमाप, परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर, चूंकि परिमाप 80 मीटर है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। तो ये बटे में चला जाएगा, लंबाई है x प्लस चौड़ाई बराबर 80/2, तो कितना आ जाएगा 40, समझ में आया ना, गुणे की चीज बटे में आ गई। तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, चौड़ाई बराबर आ जाएगा 40 - x मीटर। तो अब हमको लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। अब हमको क्या करना है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, 400 ही ना, हाँ ठीक है। तो क्षेत्रफल की लंबाई कितनी दे रखी है एक्स, चौड़ाई कितनी है 40 - x, ठीक, तो बराबर 400, एक्स के अंदर गुणा कर देंगे 40x - x² = 400, ठीक। अब क्या करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x - 400 = 0, समझ गए ना, माइनस प्लस का 400 था, इधर लिया माइनस का 400 हो गया। अब कर या चिन्ह बदल कर हम लोग लिख सकते हैं x² - 40x + 400,
बराबर 0, यानी 400 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 40 आ जाए। तो 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 40 हो जाए, तो 20 विषम 400 होता है और 20 20 40 होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x को हम लोग 20 प्लस 20 लिख सकते हैं, 20 प्लस 20x प्लस 400 बराबर 0। जरा देख लेते हैं कितनी जगह है, तो उस हिसाब से लिखते हैं, छोटा ना हो जाए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, प्लस 400 बराबर 0, गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20, माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 20 बराबर 0, तो x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20। तो इस तरीके से एक वैल्यू आ गई, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए एक ही वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब एक बात बताइए कि अगर x की वैल्यू 20 आ गई है तो लिख देंगे अतः पार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई भी हो जाएगी 20 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्षेत्रफलों का योग दे रखा है और दोनों के परिमापों का अंतर दे रखा है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना पहले वर्ग का, वर्ग की भुजा, माफ कीजिएगा, x मीटर। अगर पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, दूसरे वर्ग की भुजा अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो हमें कुछ सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको क्या दे रखा है। अगर हमको वर्ग की भुजा x दे रखी है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा यानी 4x, यानी 4x मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहीं से दूसरे वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं, क्यों, तो क्योंकि हमारे पास एक हिंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है कि दोनों वर्गों का अंतर। तो लिखेंगे चूंकि पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर, क्योंकि पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 24, कितना दे रखा है, 24, ठीक है। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, 4x, तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 4x माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, निकालना है तो लिख देंगे यहाँ पर परिमाप 2, समझ में आया ना, परिमाप 2 यानी दूसरे वर्ग का परिमाप, ठीक है, बराबर कितना, 24। क्या करेंगे, परिमाप 2 निकालने के लिए 4x माइनस 24 हो जाएगा, यानी परिमाप 2 बराबर 24 माइनस 4x, और चूंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को हम उधर भेज सकते हैं, माइनस का 24, समझ में आएगा था, माइनस ब्रैकेट में 24 माइनस 4x, अब चिन्ह बदल जाएगा तो 4x माइनस 24 हो जाएगा। तो परिमाप 2 बराबर 4x माइनस 24। अगर दूसरे वर्ग का परिमाप हमको पता चल गया है 4x माइनस, तो दूसरे वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि 4 गुणे भुजा 2, भुजा 2 मतलब दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, यही परिमाप दे रखा है ना, 4x माइनस 24, यहाँ से 4 बटे में ले जाएंगे तो भुजा 2 बराबर 4 कॉमन ले लेंगे x माइनस 6 बटे 4, ये 4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो भुजा 2 बराबर x माइनस 6।
तो ये दूसरे वर्ग की भुजा आ गई है एक्स माइनस छः। तो इस तरीके से हमने भुजा निकाल ली है। अब बचा हुआ क्षेत्रफल की कहानी, तो इतना नोट कर लें, जो भी इसको नोट करना है वो वीडियो को रोक कर नोट कर लें, हम मिटा दे रहे हैं। तो मिटा रहे हैं, इतनी जगह बची हुई इसमें लगा रहे हैं, देखते हैं कितना आ जाता है। इधर भी जगह बची हुई है, नहीं मिटाएंगे, ठीक लगेगा। तो अब हमको क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो लिखेंगे क्षेत्रफलों, क्षेत्रफलों का योग कितना दे रखा है, क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 468, 468। तो क्षेत्रफलों, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बराबर 468, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बराबर 468, तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x बराबर 468। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 432 बराबर 0। 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग कर देंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दूनी 4 और 2 कम 2, 2 छंग 12 बराबर 0। तो 18 गुणे 12 216 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x को क्या लिखेंगे, 18 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 216 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 12x माइनस 216 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 प्लस 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 और x प्लस 12 0, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 आ जाएगा, ठीक है, एक वैल्यू ये। और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अग्राह्य, अग्राह्य। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः पहले वर्ग की भुजा, यहाँ लिख देते हैं, अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, 24 में से कहाँ गया भुजा, ये 18 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 मीटर। तो 18 मीटर और 12 मीटर, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया।